आज मैं आपके साथ बहुत ही नेचुरल ट्रीटमेंट शेयर करूंगी जिससे आपके बालों में शाइनिंग भी होगी, आपके बालों में स्मूथनेस भी होगी, आपके बाल बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएंगे, मैनेजेबल हो जाएंगे एंड आपके बालों में बहुत ही ज़्यादा चमक आ जाएगी। बैक टू माई चैनल मैं उन्हें और आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि आप घर पे कैसे कैरेटिन कर सकते हैं, वो भी बहुत ही नेचुरल तरीके से। आपका जीरो पैसा खर्च होने वाला है एंड जो भी इंग्रेडिएंट है ना वो आपके किचन में इजिली मिल जाएंगे। सो विदाउट एनी डिले जल्दी जल्दी से वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो अच्छा लगा करे तो वीडियो को लाइक कर दिया करो। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो इस DIY कैरेटिन क्रीम को बनाने के लिए आपको लेना है कुक्ड राइस यानी कि पका हुआ चावल। इसके बाद आपको जरूरत पड़ेगी कोकोनट मिल्क की। आप चाहे तो मार्केट वाला भी कोकोनट मिल्क यूज कर सकते हैं या फिर आप घर पर भी ईजिली बना सकते हैं। आपको कच्चा नारियल लेना है, उसके छोटे छोटे पीसेस कट कर लेने हैं। आप चाहें तो इसका छिलका उतार लें। फिर छोटे छोटे पीसेस कट करने के बाद आपको मिक्सर जार में इसको डालना है। इसके बाद आपको इसमें कम से कम इसकी हाफ क्वांटिटी में पानी ऐड करना है। देन इसको अच्छी तरीके से पीस लेना है। पीसने के बाद आपको इसको छान लेना है। इस तरीके से आप कोकोनट मिल्क को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं एंड गाइस आप इस मिल्क का यूज़ खाने में भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से बहुत ही इजी आप घर पे ही कोकोनट मिल्क को तैयार कर सकते हैं। तो गाइस इस क्रीम को बनाने के लिए आपको मिक्सर जार में अपने बालों की लेंथ के अकॉर्डिंग 4 से 5 चम्मच पका हुआ चावल डालना है। इसके बाद आपको 1 कप डालना है कोकोनट मिल्क। अब आपको इनको पीस लेना है एंड तब तक पीसना है जब तक कि आपको ये क्रीमी फॉर्म पे ना मिल जाए। तो ये अच्छी तरीके से पीस किया है, आपको एक अलग बाउल में इसको निकाल लेना है। निकालने के बाद आपको इसमें ऐड करना है 1 चम्मच शहद का। इसके बाद आपको ऐड करना है इसमें 2 चम्मच ऑलिव ऑयल यानी कि जैतून का तेल। आप इसकी जगह नारियल का तेल भी यूज़ कर सकते हैं या फिर बादाम का तेल भी यूज़ कर सकते हैं। अब आपको इसमें ऐड करना है 1/2 नींबू। अब इन सारी चीज़ों को बहुत ही अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है ताकि ये जो इन्ग्रीडियंट है आपस में मिल जाए और ये बनकर तैयार हो जाती है आपकी होममेड कैरेटिन क्रीम। तो चलिए देख लेते हैं इसका एप्लीकेशन किस तरीके से करना है। इस कैरेटिन मास्क को आपको अपने बालों पर अच्छी तरीके से अप्लाई करना है। आप चाहे तो बालों को छोटे छोटे सेक्शन में डिवाइड कर लें, देन अपने बालों की रूट पर, लेंथ पर, एंड्स पर अच्छी तरीके से अप्लाई करें। एंड गाइस आप इसे अपने रूट्स पर अप्लाई करेंगे तो आपके स्कैल्प में जमा गंदगी, डैंड्रफ, इचीनेस जैसी प्रॉब्लम्स को भी ये रिड्यूस करेगा। तो इस कैरेटिन मास्क के आपको बहुत सारे बेनिफिट्स मिलने वाले हैं क्योंकि इसमें राइस है। राइस में हाई अमाउंट में प्रोटीन, अमीनो एसिड, एंटी ऑक्सीडेंट पाया जाता है जो कि आपके बालों से ड्राइनेस, फ्रीजीनेस को रिड्यूस करके आपके बालों को स्मूथ, सिल्की, शाइनी, स्ट्रेट बनाता है। इसके अलावा जितनी भी चीज़ें जैसे कि हनी, लेमन एंड जैतून का तेल यूज़ किया गया है वो आपके बालों में जितना भी प्रोटीन है उसको भी ये लॉक करेगा, आपके बालों को मॉइस्चर प्रोवाइड करेगा, आपके बालों से ड्राइनेस को दूर करेगा। तो इस मास्क को अप्लाई करने के बाद आपको करना है 20 से 25 मिनट का वेट, लेकिन आपको अपने बालों को ना तो बन बनाना है और ना ही अपने बालों को चोटी करनी है, ऐसी कोई भी चीज़ नहीं करनी है। आपको अपने बालों को ऐसे ही छोड़ देना है। इसके बाद आप इस मास्क को 20 मिनट के लिए या फिर 45 मिनट के लिए भी रख सकते हैं। इसके बाद जो भी आप रेगुलर शैम्पू यूज़ करते हैं उससे अपने बालों को हेयर वॉश कर लें। आप देखेंगे कि आपके बाल बहुत ही ज़्यादा मैनेजेबल हो गए हैं, बहुत सॉफ्ट हो जाएंगे, सिल्की स्मूथ हो जाएंगे, स्ट्रेट हो जाएंगे, आपके बाल काफ़ी स्ट्रेट हो जाएंगे। इसके अलावा आपके बालों में जो प्रोटीन है वो भी अच्छी तरीके से लॉक हो जाएगा। तो ये हेयर मास्क आपके बालों में बहुत ही अच्छा, बहुत ही कमाल करने वाला है, तो आप इसे ज़रूर यूज़ करिएगा। सो गाइस इस तरीके से आप अपने बालों को स्मूथ, सिल्की, शाइनी बना सकते हैं, साथ ही अपने बालों को एक अच्छा खासा प्रोटीन भी दे सकते हैं। तो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।